रादौर के सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे मार्ग पर स्थित फर्नीचर की दुकान से बाइक चोरी करता युवक सीसीटीवी में कैद। रादौर के सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे मार्ग पर स्थित एक फर्नीचर की दुकान के आगे से बाइक चोरी करता एक युवक सीसीटीवी में कैद हुआ है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि बाइक चोरी की घटना को एक युवक ने अंजाम दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बाइक चोर की तलाश करने में जुटी हुई है। गांव रादौरी निवासी गोपाल ने बताया कि 4 मई की दोपहर को वह लगभग 12 बजे शहर के सिंह फर्नीचर की दुकान पर किसी काम से गया था और उसने अपनी स्प्लेंडर बाइक को दुकान के बाहर खड़ा किया था, लेकिन इस दौरान एक युवक ने मौके से उसकी बाइक को चुरा लिया। सीसीटीवी फुटेज को उसके द्वारा पुलिस को दिया गया है। पुलिस ने प्रभावित की शिकायत पर अज्ञात के विरुद्ध चोरी का मामला दर्ज किया है। रादौर के पुराने कमेटी चौक के नजदीक शरारती तत्वों ने तोड़े बिजली के पोल पर लगे आधा दर्जन मीटर। कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भी शरारती तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बुधवार की रात को भी शरारती तत्वों द्वारा रादौर के पुराने कमेटी चौक पर बिजली के पोल पर लगाए गए आधा दर्जन बिजली के मीटरों को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। एक स्थानीय दुकानदार नरेश कुमार ने बताया कि बिजली के पोल पर लगे मीटरों को पहले भी शरारती तत्व निशाना बना चुके हैं, जिससे परेशानी संबंधित बिजली उपभोक्ताओं को उठानी पड़ती है। ऐसे में पुलिस इन शरारती तत्वों की पहचान कर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। रादौर में लॉकडाउन के दौरान दो भाइयों ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी का ऐप बनाकर दिया युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश। कोरोना संकट के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान रादौर के दो भाइयों ने समय का सदुपयोग करते हुए पहले ऑनलाइन फूड सप्लाई करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ पर एक फूड वेबसाइट का निर्माण किया और अब शहर में खुद ही फूड की डिलीवरी कर युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया है। रादौर में हर चीज़ के नाम से ऑनलाइन फूड सप्लाई करने वाले युवा अजय कंबोज ने बताया कि उसके मन में काफ़ी समय से ऑनलाइन फूड सप्लाई किए जाने का विचार था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुविधाएं बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं दे रही हैं। इसलिए अब लॉकडाउन के दौरान उसने अपने भाई के साथ मिलकर अब इस कार्य को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में दोनों भाई खुद ही रादौर क्षेत्र के 10 किलोमीटर के एरिया तक डिलीवरी का काम कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से भी अपील करते हुए कहा कि वे अपनी अंतरप्रेरणा से और कुछ कर गुजरने का हौसला रखें तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स फेस करता था इन टर्म्स ऑफ होम डिलीवरी, कि मुझे जल्दी होम डिलीवरी नहीं मिलती थी और मेरे रूरल एरियाज में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तो मैं चाहता था कि मैं खुद कहीं कुछ ऐसा करूँ जो शहरों में होता है, गाँव में नहीं होता है। इसलिए जो मैंने अपने भाई के साथ मिलकर हरचीज.com की स्थापना करी है, जो फूड डिलीवरी करती है और ऑनलाइन फूड होम डिलीवरी एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है जिस पर कि कोई भी कॉल करके हमसे फूड मंगा सकता है। फूड को तो रादौर के 10 किलोमीटर के एरिया में हम डिलीवर कर सकते हैं। अभी मैं और मेरा भाई दोनों पार्टनरशिप में, अभी हम दोनों ही ऑपरेट कर रहे हैं इस बिजनेस को। हमें आत्मनिर्भर बनना है, क्योंकि होता क्या है कि एंटरप्रेन्योर की ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया को, विश्व को। तो खुद का काम करने की जो ये प्रेरणा है मुझे मिली, और साथ में मुझे ये भी पता चला कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही आगे ग्रो करता है। रादौर में दो महिलाओं सहित 3 लोग मिले कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 67 लोगों के लिए सैंपल। उपमंडल रादौर में वीरवार को 2 महिलाओं सहित 3 लोग संक्रमित पाए गए हैं। सरकारी हॉस्पिटल रादौर के SMO डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि उपमंडल में कोरोना वायरस से 150 लोग संक्रमित हैं, जिनमें से 146 लोगों को घर पर व 4 को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक उपमंडल में 1112 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 944 लोग बीमारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वहीं उपमंडल में महामारी से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि रादौर उपमंडल में अब तक 24,228 लोगों के महामारी को लेकर सैंपल लिए जा चुके हैं। वहीं बुधवार को भी सरकारी हॉस्पिटल रादौर में 67 लोगों के महामारी को लेकर सैंपल लिए गए। रादौर में 8 मई को शहीद उधम सिंह कांबोज धर्मशाला में स्वास्थ्य विभाग करेगा 45+ का टीकाकरण। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शनिवार 8 मई को शहीद उधम सिंह कांबोज धर्मशाला रादौर में 45 वर्ष के ऊपर के सभी व्यक्तियों को कोरोना से बचाव हेतु टीकाकरण किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए पतंजलि योग समिति के तहसील प्रभारी अमित कांबोज ने बताया कि इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में शहर की सामाजिक संस्थाएं अपना पूरा सहयोग करेंगी। उन्होंने बताया कि वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए संबंधित व्यक्ति को अपना आधार कार्ड साथ लाना होगा। इस मौके पर सेवा भारती के अध्यक्ष वेद प्रकाश व वीरेंद्र सैनी ने संयुक्त रूप से बताया कि कोरोना महामारी के दौर में सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार भी इस बारे में प्रयासरत है। इसी कड़ी में सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी लोगों को लगातार जागरूक कर टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है।